वो कहाँ रहता है अब बताता है कहाँ रहते हैं तो इस सबको पता है कि हम कब से एमपी उम्र कम है कुछ तो जानकारी है नहीं नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज मैं हूं आपके साथ सौरभ राज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे आए हुए हैं अपने स्वास्थ्य के चेकअप के लिए आए हुए अपने आंख का इलाज के लिए दिल्ली आए हुए हैं उनके दिल्ली आने के बाद विपक्ष के तमाम नेता उनके ऊपर सवाल उठाए कि आखिर बिहार में ऐसी सुविधा क्यों नहीं है कि मुख्यमंत्री को भी दिल्ली अपने इलाज के लिए जाना पड़ रहा है क्या? चिराग पासवान ने इसके ऊपर सवाल उठाए मुख्यमंत्री से जब इसके ऊपर सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कह रहे पहले आप सुनिए चिराग पासवान और कुछ लोगों ने सवाल उठाया आपके दिल्ली दौरे पर खुद तो आंख दिखाने आ जाते हैं बाकी बिहारियों का क्या होगा मतलब है खुद कहाँ रहता है अब बताता है कहाँ रहते हैं ये भी पता रहता है पार्टी के लोगों को ये मालूम है जो बात हो गई थी कि ही जो होगा कि जातीय जनगणना के आधार पर गई करना जो होगा तो उसके लिए जातीय जनगणना की बात हो गई थी तो उसमें बात हो रहा था उसके लिए लोग बात करना रहा था बात तो हो रही थी कि कहाँ है तो मैंने हम यहाँ पर आते ही सबको पता है कि हम कब से एम हैं जब से हमारा एम्स है उस समय से हमारा मतलब है और बिहार में जितना हो रहा है पहले इलाज के लिए जितना इंतजाम किया जा रहा है बिहार में पता है अब पहले क्या बुरा हाल था अब कितना इलाज हो रहा है और कितने हॉस्पिटल को और किया गया कितना सब कुछ काम किया गया है व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक सवाल है अब व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए कि मेरा कहीं किसी अस्पताल एम्स के लोगों से हमारा आज नहीं जब हम यहाँ पर के एमपी रहे हैं तब का एक संबंध है तो आते इसे क्या मतलब होता ये सभी कोई विषय है उम्र कम है कुछ तो जानकारी है नहीं जन्म लिया था उसमें क्या बुरा हाल था बिहार का और अभी बिहार का क्या हाल है जानना चाहिए। अब ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। नहीं पर कोई कमी तो आपने देखा कि चिराग पासवान के ऊपर नीतीश कुमार ने कहा कि खुद कहाँ रहते हैं और किस तरीके से उन्होंने इस तरह का घटिया राजनीति करते हैं इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए दिल्ली से सौरभ राज